शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो अभय का टेंशन तो मत लो, हम उसे देख लेंगे। अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वरुण, नाश्ता कर। ये क्या वरुण बेटा, शादी के बाद पहले दिन ऑफिस ऐसे जाओगे? ये कमीज तो देखो तुम्हारे बिना इस्त्री की। क्या कहेंगे ऑफिस वाले, दीदी ने शॉर्ट पे इस्त्री करके नहीं दी। ये क्या है, कीर्ति को प्रेस तक करनी नहीं आती क्या? मम्मी, सुबह सुबह आप ये क्या बातें लेके बैठ गई? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। अरे नाश्ता तो हम तो शुरू से बोल रहे थे, दोनों बहनों में बहुत फर्क है। आप वाली देखिए, बेगम नूरजहां बन के सो रही होगी अभी तक। कीर्ति ना, समझ में नहीं आता क्या करे इस लड़की का। अभी कुछ नहीं हो सकता आपकी कीर्ति का। देखा नहीं आपने कैसे वरुण उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहा था? बीवी के पल्लू से बन गया है आपका बेटा। हम तो कह रहे हैं लगाम कस के रखी, वरना हाथ से जाएंगे आपके बेटे और बहू। हमने तो बता दिया, आपकी मर्जी बाकी। श्रद्धा, तुम्हारा दफ्तर मेरे ऑफिस के रास्ते में, तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। श्रद्धा को देखा, वो कहाँ है? हाँ, सुबह में देखा था उसे। अरे अभी देखा क्या? अरे अच्छी बहू की तरह उसने घर का काम किया और फिर ऑफिस चली गई। कीर्ति, कीर्ति, कम से कम नॉक तो करिए। क्या हो गया सुबह सुबह? सुबह सुबह 11 बज रहे हैं, आपके पति तैयार होकर ऑफिस चले गए, लेकिन यहाँ आपकी अंगड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। ये नहीं कि वरुण की उठ के थोड़ी मदद ही कर दे, नहीं, आप ऐसे ही आंखें मूंद के पड़े रहिए। वरुण जी को ऑफिस जाना था, हमें थोड़ी जाना था कि हम उठ जाते। थोड़ी है वो कि हमारी हेल्प लगेगी। आपको नहीं लगा कि उठ के वरुण के लिए नाश्ता ही बना दूं? आज आपके राज में पहली बार वरुण बिना इस्त्री की हुई शर्ट पहन के ऑफिस चले गए। आपके राज में का क्या मतलब? आपने हमारी शादी वरुण जी से इसलिए कराई है कि हम उनके कपड़े प्रेस करें? आपने उन्हें कपड़े प्रेस करना नहीं सिखाया क्या? और शादी से पहले करते होंगे ना, शादी के बाद क्या बदल गया? आप पत्नी है उनकी, आपको नहीं लगता कि ये आपका फर्ज बनता है? फर्ज? हम उनकी पत्नी है तो आपको हमें उनकी नौकरानी बनाने का लीगल लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं। वैसे भी हमारे पति अच्छा कमाते हैं, पैसे की कोई टेंशन है नहीं, सिर्फ नौकरानी रख लीजिए, हर दिन की चिपचिप खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम वरुण का काम करवाने के लिए एक नौकरानी रखें। तो उसमें गलत क्या है? प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं हम। बेटा काम का तो पता नहीं, पर बहस बहुत अच्छी कर लेती हूँ। भाभी, लगता है माँ ने सिर्फ जबान लड़ाना सिखाया है। बेटा लड़ाओ जबान। लड़ाओ इसे, जबान लड़ाना नहीं, अपनी बात रखना कहते हैं। और हर बात में ना बीच में हमारी मम्मी को मत लाया करिए। दो बेटियों को पालना बहुत मुश्किल का काम होता है, आपको क्या पता। हाँ हाँ, सही कह
हो तभी जमीन आसमान का फर्क है दोनों बहनों में। क्या बोलना चाहती हैं आप? और मम्मी जी आपको किस बात की चिंता है? एक ही बेटा है आपका, उसकी भी शादी हो गई, अब एक नौकरानी रखने में क्यों? सोने ये लगाम तो आपके हाथ से छूट गई है, हमें लगता है ये अब हाथ नहीं लगेगी, जल्दी कुछ कीजिए। आपको छोटे बड़ों का लिहाज करना नहीं आता क्या? और देखिए फिर लेट गई। उठ गया खुश, ऐसे भी हमारी तो नींद ही खराब कर दी आपने, जा रहे हम फ्रेश होने। भाभी हमें तो आपकी किस्मत पे रोना आ रहा है, कहाँ श्रद्धा जैसी समझदार बहू चाहती थी और कहाँ ये कीर्ति आपकी यहाँ की बहू बन गई। आपके लिए कुछ चाय नाश्ता कुछ लेकर आऊं? इतना सामान कैसे समेटोगी? ऑफिस का काम करके थक गई होंगी ना? आज तो सच मुझे बहुत थकी, ऑफिस में ना काम पेंडिंग था और कीर्ति नवा तुम रो क्यों रही हो? वरुण जी आपकी मम्मी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, उन्हें ना हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है, उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए। मम्मी जी तो ताने मारती हैं, साथ में बुआ जी भी सुनाती हैं, हमारी किसी भी चीज से खुश नहीं होती वो, हम नहीं सुन सकते ये हर दिन के ताने। वैसे तुम्हें मेरी बातें तो ताने जैसी लगती होंगी। मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे कमरा साफ चाहिए था तो जाने से पहले मैं कमरा साफ करके गई थी। हाँ तो तुम्हारे अलावा भी यहाँ लोग रहते हैं और सामान फैल जाता है, और तुम्हें इतनी सफाई पसंद है तो अपने घर ही रहती ना, यहाँ क्यों आई? क्या हुआ ऑफिस और घर एक साथ संभाल नहीं पा रही हो? को तो तुम बेला फुसलाकर ऑफिस निकल गई और यहाँ खड़ी होकर मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। ये आप गलत बात मत करिए, भला मैं आपको एटीट्यूड क्यों दिखाऊंगी? मैं कमरा साफ करके गई थी, इनफैक्ट मैं सारा काम और आपकी शर्ट तक प्रेस करके गई थी। कमरा साफ तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और मुझे ये शर्ट नहीं पहननी थी, मुझे ये टी शर्ट पहननी थी, उसको ढूंढने में सब कुछ फैल गया। अच्छा बक्कर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सरप्राइज भी नहीं दूंगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं 3-4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। लो सच में ही हमारे लिए सरप्राइज है, इन लोगों के बीच में आप हमें अकेले छोड़ के जा रहे हैं। हाँ तो मैं सोच रहा था कि सुबह तो मुझे बहुत काम होगा लेकिन शाम को हम घूमेंगे शॉपिंग करेंगे और तुम्हारी हनीमून की शॉपिंग है ना वो भी कर लेंगे। ओके लेकिन अगर तुम्हें नहीं जाना तो वरुण जी हम हनीमून पे जा रहे हैं। हाँ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को
सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।